जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी कंप्यूटर की क्लास है। आज जो हम देखने वाले हैं, अगर हमें एक ईमेल के साथ कोई भी फाइल अगर हमें भेजनी हो, जैसे कोई पीडीएफ या फिर कोई फोटो पिक्चर वगैरह या फिर कोई वीडियो हमें ईमेल के साथ ही भेजनी हो, तो वो हम किस तरह से कर पाएंगे, ये चीज़ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक आज हमारा शुरू होता है सेंड एंड अटैचमेंट। ठीक है, एक अटैचमेंट, एक मुंसली करके किस तरह से कोई फाइल हम ईमेल के साथ भेजें। ये एक ईमेल का फायदा है, ईमेल सर्विस का। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल सर्विस इज दैट एनी टाइप ऑफ द फाइल कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट विद द ईमेल। ईमेल के साथ किसी भी तरह की कोई भी फाइल हम भेज सकते हैं। ठीक है, इवन मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंड इन द सेम मेल। यहाँ तक कि एक ही मेल में बहुत सारी फाइलें हम एक साथ भेज सकते हैं। ये कुछ मराहिल दिए गए हैं, दी स्टेप टू अटैच अ फाइल विद ईमेल आर एस फॉलोज। ये कुछ मराहिल दिए गए हैं कि किस तरह से आप एक ईमेल के साथ एक फाइल अटैच कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इनको पढ़ते हैं और फिर हम इन पर अमल करके भी देखते हैं कि किस तरह से एक ईमेल के साथ एक फाइल भेजी जाती है। सबसे पहले वही दिया गया है कि आपको क्या करना होगा, अपने ईमेल आईडी में, ईमेल अकाउंट में लॉगिन करना होगा और कंपोज बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया मेल क्रिएट करना होगा। ठीक है, या फिर अगर आप किसी को रिप्लाई, किसी का जवाब दे रहे हैं किसी के मेल का, या कोई मेल आप आगे भेज रहे हैं किसी दूसरे शख्स को, तो आपको फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद रिसिपियंट्स जो मौसूल करनंदा है उसका हमें ईमेल एड्रेस डालना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और मैसेज वगैरह हमें लिखने होंगे, जैसे हमने पिछले लेसन में भी देखा था, पिछली क्लास में। इसके बाद फाइल अटैच करने के लिए आपको नीचे की साइड जो होता है, यहाँ जो कुछ सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक इस तरह का सिंबल दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा फाइल को अटैच करने के लिए। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ब्राउज विंडो ओपन हो जाती है और वहां से आप वो फाइल सेलेक्ट करेंगे जो आपको, जो आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से एक प्रोग्रेस बार आपको दिखाई देता है कि ये आपकी फाइल अपलोड हो रही है। अगर एक से ज्यादा फाइल्स आपको भेजनी है तो जितनी फाइल्स भेजनी है आप उतनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, आपका वो अटैचमेंट मेल के साथ सेंड हो जाता है। ये सिर्फ तीन चार स्टेप्स हैं, बहुत आसान है। एक चीज और है, यहाँ आप कितनी बड़ी फाइल भेज सकते हैं ईमेल के साथ। ऐसा तो नहीं कोई पूरी 1 घंटे की वीडियो आप भेज रहे हैं, 1 GB की वीडियो भेज रहे हैं, तो इसमें एक लिमिट है, मैक्सिमम 25 MB, मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल आप एक ईमेल के साथ अटैचमेंट के तौर पर भेज सकते हैं। वी कैन अटैच मल्टीपल फाइल्स विद अवर ईमेल्स, हाउएवर द टोटल साइज ऑफ द अटैचमेंट, टोटल साइज है ये, एक फाइल का नहीं। अगर आप बहुत सारी फाइल भी एक साथ भेज रहे हैं तो उन सब का टोटल साइज 25 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल एंटर ईमेल को सेंड करने के लिए। आपको सेंड बटन पर अगर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका ईमेल सेंड हो जाता है। ओके, चलिए ये पूरा हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ईमेल अकाउंट में और लॉगिन करते हैं। ये एक हमारा ईमेल अकाउंट है, अभी जो आपको विंडो दिखाई दे रही है इसको हम बोल सकते हैं इनबॉक्स की विंडो है ये। सभी जितने भी ईमेल आपको रिसीव हुए हैं वो आपको यहाँ तीन कैटेगरीज में दिखाई देते हैं, प्राइमरी, प्रमोशन एंड सोशल कैटेगरी। तो अटैचमेंट भेजने के लिए क्या स्टेप्स है, सबसे पहले आपको कंपोज पर क्लिक करना होगा। ये कंपोज बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं, इधर एक विंडो ओपन हो जाती है। जो पहला बॉक्स है टू का, यहाँ आपको जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उनका ईमेल एड्रेस आपको यहां टाइप करना होगा। ठीक है,
इसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट जिस बारे में आप ये ईमेल भेज रहे हैं, मजमून जिसको हम बोल सकते हैं। यहां आपको अपना पूरा जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो आपको मतन के तौर पर यहां लिखना होगा, ठीक है। कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं। अब आता है हमारा मेन पार्ट, फाइल अटैच करना। इतना हम भेज सकते हैं, सिर्फ ये मैसेज आपका जो मतन के तौर पर लिखा हुआ है ये जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपको कोई फाइल भेजनी है। तो आप देखिए नीचे की साइड, यहाँ आपको ये पेपर क्लिप आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, एक ब्राउज विंडो ओपन हो जाती है आपके कंप्यूटर की। यहाँ से आपको वो फाइल्स सेलेक्ट करनी है जिनको आप भेजना चाहते हैं। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि टोटल जो साइज होगा उन फाइल्स का वो 25 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं कुछ फोटो यहां दिखाई दे रहे हैं, इनको सेलेक्ट कर लेता हूं और इसी के साथ तो एक पीडीएफ फाइल भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से। ये पीडीएफ फाइल है एक, ठीक है, और दो तीन फोटो और सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल अभी 5 फाइल मैंने सेलेक्ट कर चुका हूं। इसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कीजिए तो ये प्रोग्रेस बार आपको दिखाई देगा कि ये फाइल्स अपलोड हो रही हैं। अपलोड हो चुकी हैं सभी फाइल्स, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप डायरेक्ट सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये सभी फाइल्स ईमेल के साथ भेजी जा चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल के साथ कोई भी अटैचमेंट फाइल भेज सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाउनलोड एंड अटैचमेंट। अब जो अपना अटैचमेंट भेजा है उसको डाउनलोड किस तरीके से करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले वो फाइल जो मेल जो रिसीव हुआ है उसको ओपन कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप उस मेल को ओपन करते हैं तो जो अटैचमेंट फाइल आपके पास भेजी गई है उस पर कुछ इस तरीके के सिंबल आपको आइकन यहां दिखाई देते हैं। ये आपको डाउनलोड आइकन यहां दिखाई देता है, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है। ये देखिए अभी जो हमने एक फाइल भेजी थी दूसरे मेल एड्रेस पर, उस पर हम लॉगिन कर लेते हैं। ये वो हमारा ईमेल आईडी है, ये वाला ईमेल अकाउंट है जिस पर हमने ये अटैचमेंट भेजी थी। देखिए सब्जेक्ट ऊपर जो लिखा हुआ आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा है। ये सब्जेक्ट इसीलिए डाला जाता है कि ईमेल खोले बिना आप जान सकें कि किस बारे में ईमेल भेजा गया है, ठीक है। ये वो मेल है, इसको ओपन कीजिए और जो अटैचमेंट भेजे गए थे वो सभी फोटो और एक पीडीएफ फाइल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए माउस का कर्सर आप इस पर ले जाइए तो ये तीन आइकन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है डाउनलोड आइकन पर क्लिक कीजिए और ये फाइल इस तरीके से डाउनलोड हो जाती है। जहाँ भी आपको डाउनलोड करनी है आप वहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये पीडीएफ फाइल है, इस पर भी डाउनलोड आइकन पर क्लिक कीजिए, ये फाइल भी इस तरीके से डाउनलोड हो जाती है। तो ये इस तरीके से मतन का जो ईमेल है वो ये आपको यहाँ दिखाई देगा, ये जो ईमेल में मतन लिखकर भेजा गया है मैसेज, और जो अटैचमेंट है ये सभी यदि यहाँ लिखा हुआ है 5 अटैचमेंट्स, सभी एक साथ आपको अगर बहुत सारे अटैचमेंट आपको भेज दिए गए हैं, सिंगल सिंगल नहीं कर सकते आप डाउनलोड, तो आप सभी को एक साथ डाउनलोड ऑल अटैचमेंट सबसे ऊपर एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। सभी फाइल्स एक साथ यहाँ डाउनलोड होती हैं, लेकिन ये फाइल डाउनलोड होंगी जिप फाइल के तौर पर, फिर आपको इसको डाउनलोड करने के बाद अनजिप करना होगा तब ये फाइल आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ईमेल हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है जी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।